कानपुर जिले में पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने एक बार फिर सराहनीय कार्य किया है, जिसके बाद वो फिर चर्चा में है। कानपुर में जाज मऊ के जेके कॉलोनी निवासी बुजुर्ग गुलाब चंद्र को उनके ही अपने बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया था, लेकिन कमिश्नर असीम अरुण की पहल से बुजुर्ग गुलाब चंद्र को अपने घर पर कब्जा मिल गया। बुजुर्ग को घर पर कब्जा दिलाने खुद कानपुर के एसीपी अपनी टीम के साथ पहुंचे। बुजुर्ग के बेटे और बहू को इस दौरान चेतावनी भी दी। हुआ यूं कि कानपुर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में परिजनों से परेशान बुजुर्ग गुलाब चंद्र मजिस्ट्रेट के आदेश के साथ पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से मिले। उनके बेटे व बहू ने घर पर कब्जा कर उन्हें निकाल दिया था, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने घर खाली करवा कर उन्हें घर पर सुरक्षित भेज दिया। दरअसल जेके कॉलोनी में रहने वाले गुलाब चंद्र रिटायर एयरफोर्स कर्मी हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले बेटे और बहू के लिए कैलाश नगर में मकान लिया था, लेकिन वो पूरे मकान को किराए पर उठाकर वापस जेके कॉलोनी के मकान में आ गए। बुजुर्ग ने बताया कि उनकी पत्नी का निधन हो चुका है, बेटे और बहू के ही सहारे थे। इसी बीच कुछ महीने पहले बेटे ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था। उन्होंने एसडीएम सदर से इसकी शिकायत की। जांच के बाद मामले में उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद भी बेटे और बहू घर खाली करने को राजी नहीं हुए। बुजुर्ग ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की। कमिश्नर ने तुरंत ही अपने मातहतों को बुजुर्ग की मदद का आदेश दिया, जिसके बाद एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक बुजुर्ग को कब्जा दिलाने खुद पहुंचे। उन्होंने बेटे व बहू को बाहर निकाल कर पीड़ित को कब्जा दिया और बेटे व बहू को चेतावनी भी दी। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।